आज हम बनाएंगे इडली डोसा खमन के साथ खाने वाली स्वादिष्ट चटनी। इसे हम नारियल और सींग दाने से बनाकर ऊपर से तड़का लगाएंगे, जिससे ये बिल्कुल होटल जैसी बनेगी। ऐसी चटनी आपने अक्सर होटल या रेस्टोरेंट में खाई होगी, तो आज हम बिल्कुल उसी स्वाद के साथ इसे हम घर पर बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए मैं पैन में ले रही हूँ 1 चम्मच ऑयल। हमें यहाँ ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे गर्म कर लीजिए। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 कप मूंगफली के दाने। पहले हम इन दानों को रोस्ट कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें ऑयल में चलाते हुए सेक लीजिए। ये सींग दाने की चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। इन्हें रोस्ट करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इन्हें मैं पहले रोस्ट कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे 6 से 7 करी पत्ता। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा पुदीना मैं यहाँ ले रही हूँ, इसे आप चटनी में ज़रूर डालिए। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्ची तोड़कर डाल दीजिए। थोड़ी सी यहाँ इमली ली है मैंने। इन सभी को भी पैन में 1 मिनट चला देंगे। इस तरह से जब हम इन्हें हल्का सा रोस्ट करके चटनी बनाते हैं, तो इन सभी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप इस तरह से ये चटनी बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। चटनी में बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच के करीब रोस्टेड चने। इससे स्वाद तो बढ़िया आता ही है, साथ ही चटनी में अच्छी थिकनेस आती है। अब इसमें नारियल ऐड कर देंगे। इन्हें मैंने छोटे पीसेस में कट करके लिया है। इन सभी को भी पैन में एक बार चला लीजिए। इन्हें हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस 1/2 मिनट इन्हें लो फ्लेम पर चलाएंगे। देखिए, इस तरह से मैंने सभी इंग्रेडिएंट को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब इन्हें पूरी तरह से ठंडा कर लीजिए। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, इसे ग्राइंड करने के लिए मैं जार में निकाल रही हूँ। ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड कर दीजिए और स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। अब इन्हें ग्राइंड करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आपको चटनी जितनी पतली रखनी है उतना पानी आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब बस ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद चटनी की थिकनेस देखिए, इतना थिक हमें इस चटनी को रखना है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैं पैन में ले रही हूँ 2 चम्मच ऑयल। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई। इस चटनी में आप राई का तड़का जरूर लगाइए, ये चटनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। राई जब ऑयल में चटकने लग जाए, तब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च और थोड़ी सी करी पत्ता। बस ऐसा ही तड़का बना लीजिए। इसे जब हम चटनी पर डालते हैं, तो चटनी का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। ये सिंपल सी चटनी भी ऐसे तड़के से लाजवाब बनती है। इसे आप खमन, डोसा, उत्तपम ऐसे कई सारे नाश्ते के साथ बना सकते हो। मैंने चैनल पर कई सारे नाश्ते की रेसिपी शेयर की है, उन सभी के साथ मैं ये चटनी बनाती हूँ। तो ये लीजिए, इसकी रेसिपी भी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। इस टेस्टी चटनी को आप इस तरह से नाश्ते पर डालकर खाइए। ये इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आप जितनी भी चटनी बनाओगे वो कम पड़ जाएगी। अगर आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी पसंद आई है, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही डिलीशियस रेसिपीज के लिए।